हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेलीमेंट सर्विसेज। आज की वीडियो का टॉपिक है कि आउटस्टैंडिंग मेल। जितने भी पार्टीज के आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेस है, वो सभी एक ब्यूटीफुल फॉर्मेट में डिजाइन करके कस्टमाइजेशन किया है हमने। ये टेलीप्रेम से कस्टमाइजेशन के थ्रू जाएगा। चलिए आपको दिखाता हूँ उसका आउटस्टैंडिंग का क्या है। ये वन क्लिक आउटस्टैंडिंग इसका नाम है। टीसीपी अटैच करने के बाद F11 में जाके आप इनेबल आउटस्टैंडिंग ईमेल कॉन्फ़िगरेशन को यस करना है। इसके बाद आपको इस तरह का मेनू आएगा। इसमें जो भी मेल आप सेट करोगे उसका नीचे सर्वर एड्रेस ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जीमेल, हॉटमेल, आउटलुक, याहू या वट एवर जो भी मेल है वो सेट करने के बाद आपको सर्वर एड्रेस यहाँ पे सेट हो जाएगा। यूज SSL को यस रखना है और यहाँ पे फर्म का नाम आके वन क्लिक आउटस्टैंडिंग बोल के मैंने दिया है। आपकी मर्जी, आप जो चाहे वो दे सकते हो। ये फर्म का नाम आप जो भी दिया है ये आके आपको मेल आईडी में ऊपर डिस्प्ले होगा। यहाँ पे आपको नाम डिस्प्ले होता ना मेल में, वो नाम यहाँ पे डिस्प्ले होगा। आपको यहाँ पे देने के बाद वहां पे डिस्प्ले होगा, राइट। फ्रॉम मेल आईडी, जिस मेल आईडी से आप आउटस्टैंडिंग का जो भी PDF है, वट एवर रिपोर्ट है, वो भेज रहे हो, वो फ्रॉम मेल आईडी यहाँ पे चाहिए। और यूजर ऑथेंटिकेशन, यूजर नेम ऑथेंटिकेशन, जो भी आप नाम दोगे, मेल का नाम दो या फिर नाम दो, जो भी दो वो यहाँ पे डालना है। उस मेल आईडी का पासवर्ड यहाँ पे डालना है। कुछ सीसी मेल आईडी है तो आप सीसी भी अटैच कर सकते हो। उसके साथ साथ एक कॉपी सीसी को भी चले जाएगा। और रिगार्ड्स फ्रॉम में आके आप नाम भी डाल सकते हो, कंपनी का नाम डाल सकते हो या आपका नाम डाल सकते हो, वो रिगार्ड्स में आएगा। ईमेल फॉर्मेट आप HTML के थ्रू भेज सकते हो या फिर PDF के थ्रू भेज सकते हो। मोस्ट ऑफ द पीपल्स PDF में ही भेजते हैं। तो PDF में कौन से साइज में भेजना चाहते हो? पेपर साइज कौन सा है? A3 है, A4 है, A5 है या फिर लीगल है या फिर लेटरेड है? तो हम A4 लेके चलते हैं। पोर्ट्रेट में भेजना चाहते हो कि लैंडस्केप में? जाहिर की बात है कि लैंडस्केप में ही भेजेगा हर कोई बंदा। पोर्ट्रेट में भी कभी कभार यूज होता है थोड़े लोग को, तो वो पोर्ट्रेट यूज कर सकते हैं, वरना डिफॉल्ट पोर्ट्रेट ही रख दीजिए। ईमेल टेक्स्ट, इसके बारे में ये टेम्पलेट्स डिफाइन कर सकते हैं हम। यहाँ पे जो भी ईमेल आईडी हमको जाएगी वो ईमेल आईडी का हम टेम्पलेट डिफाइन कर सकते हैं। मतलब मेल का टेक्स्ट, डियर सर, योर इनवॉइस नंबर सो एंड सो बोल के लिखते हैं ना, इसी प्रकार हम जो चाहिए टेम्पलेट यहाँ पे बना के रख सकते हैं। ईमेल इन्फो बोल के बोलते हैं इसको। ईमेल इन्फो जो चाहे हम लिख सकते हैं। इसके बाद इनेबल आउटस्टैंडिंग आएगा। आउटस्टैंडिंग डिटेल्स में आपको थोड़ा ऑप्शन आएंगे। सेंड ईमेल यूजर वाइज भी मेल भेजना है तो उसको यूज कर लो ऑप्शन को, या फिर टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स में कोई भी टेम्पलेट्स आप बना के रख सकते हो। एट द सेंडिंग टाइम ऑफ टेम्पलेट को सिलेक्ट करके इसमें से कौन सा भी आप टेम्पलेट सेलेक्ट करके भेज सकते हो। प्रेजेंट मैं इसको नो ही रखता हूँ। रेंज ऑफ बिल्स में दो आएंगे आपको, एक आगे आउटस्टैंडिंग बिल्स आएगा, एक आगे पेंडिंग बिल्स आएगा। प्रेजेंट मैं पेंडिंग बिल्स लेके चलता हूँ। बैंक के इसमें दो दो बैंक का फील्ड दिया है। जो बैंक टैली में अवेलेबल रहेंगे वो बैंक हम यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मैंने एक बैंक ही सिलेक्शन किया, एक बैंक को नॉट ऑफ क्लिक पर दे दिया। ईमेल ऑर्डर नंबर एंड डेट, ये जब हम यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बिल्स, ओवर ड्यू बिल्स लेते हैं तो उसमें ईमेल ऑर्डर नंबर और डेट हम लेके चलेंगे। हेड ड्यू ओवर ड्यू कॉलम्स, ये इसको कुछ नहीं करूंगा मैं, नो ही रख के प्रेजेंट कंटिन्यू करूंगा। एंटर देने के बाद प्रेस एंटर। ये जो भी सेटिंग्स किए हैं हमने वो सेव हो जाएगा। अभी गेटवे ऑफ टैली पे आपको ऑटो आउटस्टैंडिंग ईमेल बोल के एक मेनू आएगा। इसमें क्लिक करने के बाद तीन मेनूस आएंगे आपको। फर्स्ट वाला जो है वो हमारे टैली में जितने भी लेक्चर्स है वो लेक्चर्स को हम मोबाइल नंबर या वाट एवर कुछ भी डाल सकते हैं। डालने के बाद हम यहाँ पे मेल आईडी कुछ भी लिख सकते हैं। अभी जो नाम है हमको @gmail.com, जो कमलेश कुमार बोल के नाम है ना, ये मेल आईडी से डाल के एंटर दे के सेव करते ही कमलेश कुमार बोल के नाम चले जाएगा। दैट मीन्स वो नाम सेव हो गया। हम इस मेनू से भी मोबाइल नंबर और मेल आईडी सेव कर सकते हैं।
इसी प्रकार जिस जिसको नहीं रहेगा वो ये रिपोर्ट में शो कर देगा। सेकंड वाले आके रिवेरिफिकेशन ऑफ ईमेल आईडी है, जिस मेल आईडी में प्रीफिक्स सिंबल्स रहेंगे, कुछ अदर से सिंबल्स रहेंगे, दैट मीन्स डॉलर का सिंबल हो गया, एंड सिंबल हो गया, सेपरेट कैरेक्टर्स कुछ रहेंगे तो इसमें आ जाएगा। यहाँ पे लेक्चर नेम आएगा, यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर आ जाएगा, वो ईमेल आईडी यहाँ पे आ जाएगी। दैट मीन्स नाम में कुछ स्पेशल कैरेक्टर है तो यहाँ पे आएगा, ईमेल आईडी में कुछ स्पेशल कैरेक्टर है तो यहाँ पे आ जाएगा। सेम इसी तरह स्पेशल कैरेक्टर टू ईमेल आईडी, सीसी ईमेल आईडी, स्पेशल कैरेक्टर, इसमें ये दिखा देगा यहाँ पे। थर्ड वाला आके ईमेल ग्रुपिंग है, इसमें संडी डेबिटर का ग्रुप लेके हम चले तो जो भी कस्टमर्स इसमें रहेंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल खादर बोल गए, उसके एंटर देने के बाद वो बंदे के बिल्स सारे कुछ यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। नेक्स्ट टैलिन एंड सर्विसेज बोल के है, उसको एंटर देने के बाद उसमें जितने भी बिल्स है बने हुए वो बिल्स यहाँ पे शो करेगा। इसको इंस्ट्रक्शन मैंने ऊपर दे दिया है, टू सेंड ईमेल प्लीज सेलेक्ट द लेक्चर, प्रेस स्पेस बार, ऑल लेक्चर्स प्रेस कंट्रोल स्पेस बार। यानी कि सारे लेक्चर्स आप भेजना है, सारे बंदों को, सारे कस्टमर्स को जो भी है उनको भेजना है, तो कंट्रोल स्पेस बार पर प्रेस करके आप एक ही बार सारे लोग को मेल भेज सकते हो, या फिर एक एक बंदे को मेल भेजना है तो उस पर जाकर स्पेस बार प्रेस करके मेल भेज सकते हो आप। तो प्रेजेंट मैं ये बंदे को मेल भेज रहा हूँ, मैं एंटर मार के सेंड मेल बोलने के बाद कंफर्म किया तो मेल आईडी जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा हमको। अभी यहाँ पे कुछ मेल नहीं आगे है, अभी 2-3 सेकेंड्स में मेल आ जाएगी हमको। यहाँ पे वन क्लिक आउटस्टैंडिंग बोल के एक मेल आ गया है यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग ऑफ मिस्टर खादर एज ऑन 31st 2022 R2 मेल बोल के आ गया है यहाँ पे। इसको क्लिक करने के बाद जो कंटेंट मैंने अंदर सेव किया था वो कंटेंट आपको एज इट इज आ गया। डियर कस्टमर गेटिंग फ्रॉम नेशनल एजेंसीज, होप यू आर लव्ड ऑन्स, एवरीवन्स एसोसिएटेड विथ योर बिजनेस आर सेफ एंड हेल्थी बोल के जो भी कंटेंट आप डालोगे वो कंटेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। और ये वन क्लिक आउटस्टैंडिंग की तरफ से आया है। इसका अगर से हम पीडीएफ देखना चाहते हैं तो पीडीएफ इस तरह से आ जाएगा हमको, डियर सर मैडम प्लीज यहाँ पे आके, ये अमाउंट आ जाएगा, ये बिल का आउटस्टैंडिंग आ जाएगा, बिल का ओवर ड्यू आ जाएगा, ओवर ड्यू डेज आ जाएंगे, जो बैंक का हमने दिया था वो बैंक यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल होके आ जाएगा। थैंक्स एंड रिगार्ड्स में जो नाम हमने दिया था नीचे वो नाम यहाँ पे आ जाएगा, नेशनल एजेंसीज बोल के कंपनी का नाम आ जाएगा और कंपनी का एड्रेस आ जाएगा, कंपनी कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा। ये सिस्टम के थ्रू जनरेट हुआ बिल बोल के यहाँ पे एक नीचे इंटीमेशन भी मिल जाएगा कस्टमर को। इसी तरह हर कस्टमर्स को आप ऑटोमेटिकली सेंड कर सकते हो, और हर कस्टमर्स को आप एट ए टाइम सारे कस्टमर्स को एक ही बार क्लिक किया तो मेल चले जाएंगे उनको। फॉर मोर वीडियोस लाइक शेयर सब्सक्राइब योर फ्रेंड्स, अपडेट वीडियोस के लिए लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।